अगर नंबर दे दो सर। और नंबर दे दो। आप इसकी एक बार फोटो अटैच करो, उसके ऊपर नंबर से होगा। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप कोई भी किस तरह की ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसमें चाहे सिग्नल जंप करने के हवाले से बात करें या फिर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो सही नहीं है और आप वहां से ट्रैफिक पुलिस को देकर भाग रहे हैं, वो जो है वो अब भागना आपके लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है वो कई सारे लोकेशंस पर जो है वो कैमरेज भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें आपकी फ़ोटो जो है वो उसमें कैद हो जाएगी और आपको चलान जो है वो आपके घर आएगा। जम्मू के बिक्रम चौक इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं, बिक्रम चौक एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बहुत ही बड़ा नाका इस वक्त यहाँ पर लगाया गया और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वालों को अब यहाँ पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। अगर कोई सिग्नल जंप कर रहा है तो उसका फोटो क्लिक करके उसे घर में चलान भेजा जा रहा है। देख सकते हैं कि लगातार अगर आप टू व्हीलर पर सवार हैं, दोनों को हेलमेट पहनना लाजमी होगा, वरना आपको जो है वो अपनी जेब जो है वो जरूर ढीली करना पड़ेगी। अगर आप सिग्नल जंप करके भागते हैं या कोई भी किस तरह की वायलेशन करके भागते हैं, आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो कैमरास आप देख सकते हैं। अभिषेक जी, कैमरास भी दिखाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो भी लोग अगर कोई यहाँ से ऐसे भाग जाता है तो वो कैमरे में जो है वो कैद हो जाएगा। दोनों तरफ ये कैमरे लगे हुए हैं, हालांकि और भी कई सारी जगह पर ये सब काम किया जाएगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी राजपाल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा डीवाईएसपी नीरज पडियार जी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कई सारी ट्रैफिक पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वालों के खिलाफ यहाँ पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। राजपाल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहले जो है वो लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर भाग जाते थे या सिग्नल जंप करके भाग जाते थे, ट्रैफिक पुलिस अगर रोक पाती थी तो उनका चलान कटता था, अगर भाग जाते तो चलान नहीं कटता था, लेकिन अब जो है वो अगर कोई भाग भी जाता है तो वो उसे महंगा पड़ सकता है, यानी कि चलान जो है वो घर में जाएगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस कहीं पर अगर नाका लगाती है, जो हमारे विजिबल ऑफेंसेज हैं उनको देख के हम उनको रोकते हैं। कोई वायलेटर नहीं रोकता है, गलत तरीके से जाता है तो हम उसके पिक लेके वायलेटरी पिक लेके उसको ऑनलाइन चलान दे देते हैं। राजपाल सर, कई सारी जगहों पर कैमरे भी इंस्टॉल किए गए, हालांकि और भी इस पर काम किया जा रहा है ताकि जगह जगह पर ये कैमरे लगाए जा सके, लेकिन इस कैमरे की नज़र में अगर जो भी अगर वायलेशन करने वाला आएगा तो उसका क्या रहता है? देखिए, अभी स्मार्ट सिटी के अंदर ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वो चल रहा है। उसमें पूरे सिटी में जो पूरे जंक्शंस हैं आपके CCTV सर्वेलेंस में कवर होंगे, उसमें जो वायलेशन होगी, अभी वो इंस्टॉलेशन ही चल रही है, जब भी ये फंक्शन होगा उसके बाद जो भी चलान होंगे ऑनलाइन चलान होंगे। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी इस तरह की, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और आगे से बाइक वाले जो है वो कभी सिर नीचे करके निकल जाते हैं, कभी ऊपर करके निकल जाते हैं। देखिए, इसमें हमारा यही है कि पहले तो लोगों को वायलेशन खुद नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि वायलेटर है अगर वो भाग के जाता है, जल्दी में रहता है, उसमें उसकी अपनी जान को भी खतरा है, दूसरे की जान को भी खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू रहता है ड्यूरिंग चलानिंग कन्फ्रंटेशन का, वायलेटर का और पुलिस का। वायलेटर ये कहता है कि मैंने वायलेशन नहीं, कुछ नहीं किया, मगर हमारे सभी ऑफिसर जहाँ जहाँ भी चलानिंग हो रही है, हमने उनको बॉडी ऑन कैमराज दिए हैं, बॉडी ऑन कैमराज हैं, जब भी चलानिंग होती है ये कैमराज ऑन होते हैं, तो आप अपना बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया था, तो चेक करके हो जाए, क्रॉस चेक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के SP राजपाल सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर आपको ये कहा है कि जब भी आपको कुछ लगता है कि आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो हर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को कैमरास जो है वो दे रखे हैं और आप उस शख्स के कैमरे में भी जो है वो कैद हो सकते हैं और उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर किसी ट्रैफिक वाले ने कैमरा नहीं लगाया तो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दे सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नाका यहाँ पर जम्मू के बिक्रम चौक में यहाँ पर लगाया गया है और लगातार ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के चलान यहाँ पर काटे जा रहे हैं और अब आप अगर ट्रैफिक पुलिस को देखकर भागते हैं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चलान जो है वो आपका कटेगा ही कटेगा अगर आपने ट्रैफिक रूल्स की कोई भी जो है वायलेशन किया। फिलहाल आप जनता अपनी राय जरूर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।